हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई होप कि कल की एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन के बाद से आप लोग बहुत खुश होंगे एंड होना भी चाहिए। दिस ईयर वी आर गोइंग टू टेक द जॉब। इस टाइम पे आपका ना जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप कैसे प्री और मेन्स को एक साथ मैनेज करेंगे, क्योंकि आगे भी आपके IBPS PO के प्रीलिम्स होंगे, SBI PO के प्रीलिम्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर SBI क्लर्क का प्रीलिम्स भी होगा और उसके बाद इधर RRB वगैरह के मेन्स भी हैं, ठीक है। तो सब कुछ लाइंड अप है, आपको किस तरीके से मैनेज करना है। विल बी हैविंग अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो। इस चीज़ पर आपको प्रॉपर फोकस देना है। इस वीडियो में आई एम हेयर विद माई स्कोर कार्ड ऑफ RRB PO मेन्स। बहुत सारे लोगों ने बोला एक बार स्कोर कार्ड दिखाने को। मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बट फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, नो इश्यूज। बट आफ्टर द स्कोर कार्ड विल बी हैविंग सम लर्निंग, सम वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवेज विच यू नीड नॉट स्किप। स्टे ट्यून टिल द एंड, ओके। सो लेट्स बिगिन द सेशन। दिस इज माई स्कोर कार्ड। एज यू कैन सी हियर आई अप्लाइड फ्रॉम द स्टेट छत्तीसगढ़ एंड ये हमारा मेंस एग्जामिनेशन कब का है, 30 जनवरी 2021। एंड मैंने बैंक ज्वाइन किया है अप्रैल में, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह जो है वो मार्च में हुआ था शेड्यूल, और उसके बाद फाइनल पोस्टिंग जो है वो अप्रैल में हो गई थी, ठीक है। रिपीटेडली बोलती हूँ जो चीज़ें कि नहीं आपको ऐसा करना है, वैसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मिस्टेक होते होते लास्ट मेरा बच गया था, वो आपको समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ रीजनिंग। तो रीजनिंग में यहाँ पर देखिए कट ऑफ है 12, बट मेरे ऑब्टेन्ड स्कोर है 25, ठीक है, आउट ऑफ 40, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में देखिए 40 मार्क्स का है, वहाँ 8.75 कट ऑफ है और मेरे ऑब्टेन्ड स्कोर जो है वह 15.25। मैंने आपको कल भी बताया था स्ट्रैटेजी बताते वक्त कि कंप्यूटर वॉज माई हेटरेड सब्जेक्ट सिंस माई चाइल्डहुड। तो कैसे भी मैंने बस उसको प्रिपेयर किया था, बस ये मैं लास्ट तक मैं ये श्योर थी कि हाँ मेरा कट ऑफ तो निकल जाएगा, इतनी प्रिपरेशन हो चुकी थी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी उतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। क्यों नहीं प्रिपेयर था, क्योंकि हम ऑलरेडी यूनियन बैंक में एज अ क्लर्क जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय पर देखिए 40 में से 18.75 आया है। अब यही वो सब्जेक्ट्स है ना जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश, ठीक है। बट इंग्लिश में मुझे एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी, उतना इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग था, ठीक है। तो उसमें 40 में से 32.75 आया हुआ है, तो जिसने मेरे स्कोर को थोड़ा बढ़ा दिया है ना, आप बोल सकते हैं। कट ऑफ देखिए कोई बहुत इजी नहीं था, 7.25 है कट ऑफ यहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा सब कुछ बहुत अजीब कि 40 मार्क्स में से आई हैव गॉट 8 मार्क्स। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो रीजनिंग से ज्यादा मेरी क्वांट सही है, बट फिर भी वहां पर मुझे 8 मार्क्स सिर्फ मिले हैं। 5.25 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कट ऑफ है, और टोटल एक बार देखिए 75.5 जो है वो कट ऑफ था छत्तीसगढ़ के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड मेरे मार्क्स आए हैं 100.38, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 25 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ये हमारा एक लर्निंग भी है कि पीओ के मेंस की अगर बात करें, आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना कि सिर्फ मेंस में सिलेक्शन, तो आपको लगभग 25-30 मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे आपके मेंस के कट ऑफ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 20-25-30 मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी तो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए ना कि आपके स्टार्टिंग से ही जो है वो कट ऑफ मार्क्स से 30-40 मार्क्स ज़्यादा ही आए, ऐसा आपको माइंडसेट बनाकर चलना है। क्योंकि हमको सिर्फ मेंस थोड़ी ना क्लियर करना है कि हमने मेंस के लास्ट ईयर के कट ऑफ्स देख लिए और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि हाँ 75 तक हमको करना है, ऐसा टाइप का माइंडसेट अपना बना लिया। उससे कुछ होगा ही नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो क्या मतलब आपका मेंस तक भी सिलेक्ट होने का, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वांट की बात करते हैं, तो मुझसे गलती क्या हुई थी यहाँ पर, बहुत सारे लोग जो पहले के व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं ये बात कि गलती यहाँ पर ये हुई थी कि मैंने ज़्यादा टाइम जो है वो इंग्लिश और रीजनिंग को दे दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी आल्सो। एंड कोई भी इस तरीके का बताने वाला नहीं था पहले से कि वहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी, आप ऐसा करिएगा, आप वैसा करिएगा। उस टाइम पे इतनी गाइडेंस वगैरह, आज के डेट पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, मेंटोर्स हो गए हैं, लेकिन उस समय पर इतनी गाइडेंस नहीं थी। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली, एंड ऊपर से आई वॉज इन जॉब, तो कैसे कैसे बस प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो ये गलती वहाँ पर हो गई थी। और क्वांट के लिए लास्ट में बहुत कम टाइम बचा हुआ था, लगभग 7 to 8 मिनट्स, और उसी प्रेशर में आके 8 क्वेश्चंस या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, जिसमें से 8 मार्क्स आए हैं, है ना। तो उस समय पर सिर्फ ये लगा कि अगर मैं ये नहीं सॉल्व कर पाई तो मेरी सारी मेहनत इधर की बेकार हो जाएगी, सारे सेक्शंस जो मैंने अटेम्प्ट किए वो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी बस अपने आप को मैंने मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेशन कि बस कैसे भी कट ऑफ निकल जाए, इतना अटेम्प्ट कर लो कैसे भी। तो कोई DI सॉल्व नहीं की, कोई भी ऐसे मैंने कैसलेट वगैरह सॉल्व नहीं की, सिर्फ 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस दिखते गए सिर्फ मैंने वो सॉल्व कर दिए, 10 मार्क्स के कैसे भी सॉल्व कर दिया, और फाइनली देखिए कट ऑफ निकल गया। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, अगर नहीं संभाल पाई होती उस समय पर, तो ये जॉब हाथ में नहीं होती। अब आप सोचिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स सारे सेक्शंस अच्छे अटेम्प्ट किए, लेकिन सिर्फ इस एक गलती की वजह से, और वो भी ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं थी, बात यह है कि वो टाइमिंग वाली गलती हो गई। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये स्कोर कार्ड दिखाने का मेरा सिर्फ यही एम है कि आपको इससे रिलेटेड मैं कुछ लर्निंग्स दे सकूं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियर पेरेंट्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेक अवेज के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। मैंने आपको जो सोर्सेज बताए हैं आप उसको जाकर पढ़िए, आपका बिल्कुल 20 डेज में कंप्यूटर रेडी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिनका कंप्यूटर वीक होता है वहाँ पर जाके अजीब अजीब कुछ क्वेश्चन में स्टक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ कंप्यूटर को लाइटली नहीं लीजिए। सेकेंड थिंग, डू नॉट बी inclined towards particular subjects। जैसे मैंने अपना बताया कि रीजनिंग बनने लगा बनाने लगी, इंग्लिश बनने लगा बिल्कुल उसी के पीछे बनाने लगी, है ना। ऐसा नहीं करना है, करना है ऐसा, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि आपके पास दूसरे जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग बची हुई है, ठीक है। थर्ड थिंग, हैव प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन योर माइंड। पहले से एडवांस में डिसाइड कर लीजिए वो सेक्शनल टाइमिंग्स जो मैंने आपको बताई, क्योंकि वहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी। फोर्थ थिंग, डू नॉट डू गेस्ट वर्क इन कंप्यूटर, जीए एंड इंग्लिश। इस चीज़ को याद रखिए, आपसे जो सही सही बनता है, जो बिल्कुल आपको लगता है 100% है, आपको वही अटेम्प्ट करना है, ओके। लास्ट थिंग, इंग्लिश के बारे में मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, और बाकी क्वांट और रीजनिंग के बारे में भी, कि मेंस है, क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। आप मॉक टेस्ट में भी ना देख के क्वेश्चंस को डर जाते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करिए रीड करने का, वो चाहे रीजनिंग हो या क्वांट, उसमें भी आपको रीडिंग ही करनी है, सिर्फ इंग्लिश के लिए ये बात नहीं है। मेंस इज ऑल अबाउट रीडिंग। अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया ना, तो आप ये पाएंगे कि क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जा रहे हैं, अगर आपने समझ लिया ना तो आपसे इजीली सॉल्व हो सकती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसको रीड करिए, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाया करिए, उससे आपकी हैबिट बनेगी, ओके। मेंस के लिए एक मॉक टेस्ट अपने पास ज़रूर रखिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क बिल्कुल आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के टफनेस लेवल का नहीं रहता है, तो बिल्कुल भी टफ मॉक मत अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज उससे आपका मोरल मोटिवेशन डाउन होता है, ठीक है। एक परफेक्ट मेंस का मॉक लीजिए, प्रैक्टिस मॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक मेंस का मॉक अपने पास ज़रूर रखिए, उसमें कुछ फ्री मॉक्स भी हैं, उसको भी अटेम्प्ट करके देखिए, और आपको लेवल अच्छा लगता है आप बिल्कुल उसे परचेज करिए। आई विल रिकमेंड इट फॉर मेंस, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर उसको चेक कर लीजिए। मेंस का इंग्लिश होता है ना, वो कोई रूल्स वगैरह के बारे में नहीं होता है कि आपको सिर्फ उसमें रूल्स अप्लाई करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे पैसेजेस रहेंगे, आरसी रहेगा, 2 आरसी रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको सिर्फ अपने माइंड को काम करके उस समय पर, और मुझे एक ऐसा मेंटल स्टेट चाहिए कि मैं चीज़ों को अच्छे से रीड करके कॉम्प्रीहेंड कर सकूं, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियरेस्ट पेरेंट्स। जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ना, वो बिल्कुल सोच समझ कर, कि मुझसे जो उस समय मिस्टेक हुई थी, जो आपसे हो सकती है, उसके बारे में ही बताती हूँ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियरेस्ट पेरेंट्स। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।